पूरे दिन की चीख चिल्लाहट और 43 लोगों की मौत। अनाज मंडी के अग्निकांड को कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में दिल्ली में न्यायिक हिरासत में फैक्ट्री मालिक रेहान को भेज दिया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैक्ट्री मालिक को 14 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 8 जनवरी को अनाज मंडी में आग लगी थी जिसमें 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी विनय सिंह। विनय, खबर पर पूरा अपडेट दीजिए। कि जो जो आग लगी थी 8 दिसंबर को, जो कि आप जो पुरानी दिल्ली का इलाका है फिल्मिस्तान, वहां पे जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जो जो आरोपी हैं उनको पेश किया गया था, जिसमें से फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री का मैनेजर और साथ ही साथ जो सह मालिक था उनको पेश किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इसमें कोर्ट ने उनको फिलहाल, चूंकि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इनको 14 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और अभी 14 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद अब चूंकि पुलिस अभी 14 जनवरी के बाद अब इनको दोबारा पेश करेगी, और उसके बाद लगातार क्योंकि अभी इस मामले में अभी और भी पहलू और भी जानने हैं, इसलिए अभी इनको 14 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी, अगर रेहान की बात करें तो रेहान के पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलील सामने आ रही है विनय? क्योंकि आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा था कि ये एक फैक्ट्री थी और इसके अंदर बहुत एक जो इमारत थी उसके अंदर बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही थी, और हर जो फैक्ट्री है वो जो हर जो कमरा है वो किराए पे दिया गया था, तो इसलिए इनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि ये इमारत जो है दूसरों लोगों को किराए पे दी गई थी, सबलेट की गई थी। हालांकि अभी फिलहाल जिस तरह से ये दिल्ली का सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाता है कि इसमें फायर दिल्ली फायर सर्विस ने भी कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो काफी गंभीरता से इस मामले को पूरे को देखा जा रहा है, और इसीलिए अभी फिलहाल इनको न्यायिक हिरासत में तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए विनय।